टिहरी जिले के कनातल गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पास के सुरकंदा देवी मंदिर जा रहे रोपवे की ट्रॉलियां बीच रास्ते में ही रुक गई। इतना ही नहीं, यात्रियों से भरी ये ट्रॉलियां करीब 40 से 45 मिनट तक हवा में ही फंसी रहीं। हवा में फंसी तीन ट्रॉलियों में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी शामिल थे। किशोर उपाध्याय के अलावा करीब 60 से 70 और यात्री भी इन ट्रॉलियों में फंसे रहे। आपको बता दें कि सुरकंदा देवी में रोपवे की सेवा कुछ ही महीनों पहले शुरू हुई थी, जिसमें आज तकनीकी कारणों के चलते तीन ट्रॉलियां हवा में फंस गई थी। ट्रॉली में फंसे टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने वीडियो के जरिए लोगों से पैनिक न होने की अपील की। 20 मिनट से हम अधर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं, और थोड़ा सा ये आगे बढ़ी और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें हैं, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो, इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले, और नहीं तो जो है जो SDRF इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो SDRF की व्यवस्था करें। इस पूरी घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ट्रॉली की सेवा को बंद कर दिया गया है और इसकी मरम्मत का काम जारी है। उत्तराखंड तक के लिए टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट।